26/11 मुंबई हमलों को आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। भारत पर किया गया ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। आतंकियों के इस कायराना करतूत में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। मुंबई हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था। हाफिज सैयद, डेविड हेडली, साजिद मीर, जकी उर रहमान लखवी हमले के मास्टरमाइंड थे। लेकिन एक और चेहरा था जो जांच एजेंसियों की नजर में कुछ साल बाद आया। डेविड हेडली से पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहवूर हुसैन राणा का नाम सामने आया था। भारत सरकार के कहने पर अमेरिका ने राणा की गिरफ्तारी की और अब उसके भारत प्रत्यर्पण की बात चल रही है। 62 साल का तहवूर हुसैन राणा अमेरिकी जेल में बंद है। लॉस एंजलिस कोर्ट में उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई के अपने आदेश में कहा कि जिन आरोपों को आधार बनाकर उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है।